अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने इस चैनल गिव इट टाइम इंशा के किचन में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच जाए। तो आज हम बनेंगे कलेजी। कलेजी के लिए हम सबसे पहले एक बड़े बर्तन में 2 चम्मच विनेगर ऐड कर देंगे। कलेजी को हम खाली पानी से भी धो सकते हैं, लेकिन विनेगर डालकर ये बहुत अच्छे से साफ हो जाती हैं आसानी से। ये 1/2 किलो कलेजी हैं। अब विनेगर वाले पानी में हम कलेजी डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और अब 5 मिनट हो गए हैं, कलेजी को हम एक जाली वाली टोकरी में निकाल लेंगे। इसको 1-2 बार साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक कुकर लिया है, कुकर में 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 3 नॉर्मल साइज की प्याज हैं, उनको हमने रफली चॉप कर लिया है, इनको हम फ्राई कर लेंगे। इनको हम ना ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हम इनको सिर्फ 2 मिनट ही फ्राई करेंगे। और 2 मिनट फ्राई करके हम इसमें कलेजी ऐड कर देंगे। कलेजी को भी हम प्याज के साथ 2 मिनट ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना। यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच नमक और 2 चुटकी हल्दी ऐड कर रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो अच्छे से फ्राई ना हो जाए, ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी। इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें 4 से 5 सीटी ले लेंगे, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए 4 से 5 सीटी के बाद ये अच्छे से भुन गई हैं, सॉफ्ट भी हो गई हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी अच्छी ये सॉफ्ट हो जाती हैं। तो हम चलते हैं अब दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। ऑयल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक फ्राई करेंगे तब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी ऐड किया था इसलिए हम इसमें थोड़ा ही ऐड करेंगे। 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मसालों को भून लेंगे। और हम जो हमने कलेजी बनाई थी उसमें जो पानी रिलीज़ हुआ था उस पानी को डालकर हम 2-3 दफ़ा इसको मसाले को और अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया है। यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच दही ऐड की है। दही डालकर भी हम मसाले को फिर से अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मसाला भुन गया है, रोगन भी इसमें काफ़ी सारा आ गया है। आप यकीन जानना ये कलेजी इतनी टेस्टी बनती हैं, आपने अगर इसे एक बार ट्राई कर लिया तो आप हर बार कलेजी इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने कलेजी कुकर में पकाई थी वो सारी की सारी इस मसाले में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको कलेजी पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। अब जो हमने कुकर में कलेजी पकाई थी उसका जो पानी बचा हुआ था वो हम कलेजी में ऐड कर देंगे। अगर आपको थोड़ी सी पतली रखनी है तो आप इसमें सादा पानी डालकर इसको 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पर कुक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट ही कुक किया है क्योंकि हमारा जो पानी था कलेजी का वो पका हुआ था। तो ये देखिए कितना मसालेदार, कितना थिक हमारा जो मसाला है बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसको मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने से इसमें एक अच्छी सी स्मेल आ जाती है और इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है। बारीक कटा हरा धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारी कलेजी बिल्कुल बनकर तैयार है, सर्व कर सकते हैं। आप घर में किसी को भी बनाकर खिलाएंगे वो बहुत पसंद करेगा, इसलिए इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मेरी वीडियो रोज़ाना 12 बजे आ जाती है, प्लीज़ वीडियो को देखें, वॉच करें, फुल वॉच करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।